प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के जीवंत वचन में लाजरस जब बीमार हो गया तो उन्हीं के बकने मरता मेरी ने यीशु मसीह के पास कब्र भेजते हुए विनती करते हैं, प्रभु जिसे आप प्यार करते हैं वो बीमार है। अब यीशु मसीह का यही प्रतिक्रिया रही, ये बीमारी उनके मृत्यु के लिए नहीं है बल्कि ईश्वर के महिमा प्रकट होने के लिए है। हमारे जीवन में भी कभी कभी बीमारियां या दुख तकलीफें परेशानियां आते होंगे या हमारे हर एक विनतियों को जरूरतों को तुरंत ईश्वर उत्तर नहीं देते होंगे। इसी के कारण ये हो सकता है कि इसके जरिए ईश्वर के महिमा यहां पर प्रकट हो जाए। इसलिए यशायाह नबी के ग्रंथ 43वां अध्याय 7वां वाक्य में प्रभु हमसे कहते हैं, उन सबों को जो मेरे कहलाते हैं जिन्हें मैंने सृष्टि किया है वो मेरे अपने महिमा के लिए है, जिन्हें मैंने गढ़ा और बनाया है। हम सबों का सृष्टि करने का एक ही उद्देश्य है कि ईश्वर के महिमा हमारे जिंदगी के जरिए इस दुनिया में प्रकट हो जाए। इसलिए कि संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र 10वां अध्याय 13वां वाक्य में हमसे कहते हैं, इसलिए आप लोग खाइए पिए सब कुछ ईश्वर के महिमा के लिए किया करें। आइए भाई बहनों, ईश्वर के महिमा बकाने वाला कार्य हमारे जिंदगी से हरदम उभर के आए। प्रभु क्रिस्त अपने आशीषों से हम सबों को परिपूर्ण करे। सबको जय श्री।